नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक 24 हिंदी में। दोस्तों, यार आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रियलमी C2 के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है रियलमी C2 में एक अपडेट है जुलाई का रोल आउट किया गया था, जिसे कि सस्पेंड कर दिया गया था। एंड उसके बाद से फिर से ये अपडेट आ चुका है, सभी डिवाइसेस के लिए रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया गया है। इस अपडेट का वर्जन है दोस्तों, आपको मिल जाता है 8.27। दोस्तों इसमें आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ कि आपको क्या कुछ चेंजेस में देखने को मिलता है एंड क्या कुछ नए फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, रियलमी C2 में आपको ये अपडेट 8.27 वाला आपको अब तक मिल चुका होगा। बट अगर आपको अपडेट नहीं मिला तो आप एक दो दिन वेट कर लीजिए, आपको ये अपडेट मिल जाएगा। बट फिर भी अगर आपको अपडेट जल्दी से करना है तो आप देख सकते हैं रियलमी के ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी लिंक दे दी गई है, आप यहां से इसे सिंपली डाउनलोड कर पाएंगे। अब दोस्तों बात करें इसमें क्या कुछ चेंज देखने को मिलता है, तो इसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। दोस्तों जो सबसे पहला अपडेट है, देख सकते हैं एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच जुलाई 2020 का आपको देखने को मिल जाता है। एंड सेकंड फीचर्स देख सकते हैं जो कि एप्लीकेशंस में है, ऐड रियलमी लिंक, मतलब कि रियलमी लिंक को ऐड कर दिया गया है। पहले इसमें नहीं था, बट इस अपडेट के बाद से आपको रियलमी लिंक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जिसे कि आपका डाटा लीक होने का चांस था, जैसा कि आपको पता है चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया था, फिर भी आपके फ़ोन का जो वायरस स्कैनर था उसके अंदर चेतक देखने को मिल जाता था, मतलब कि जो कि चाइनीज है जिसे बैन कर दिया गया था। इस अपडेट में आपको वो रिमूव कर दिया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा है रिमूव क्लीनअप स्टोरेज वायरस स्कैन फीचर्स, मतलब कि उस सारे ऐप्स को रिमूव कर दिया गया, मतलब कि अब आप में के फोन के डाटा लीक होने की कोई भी चांस नहीं है। और दोस्तों लास्ट में देख सकते हैं जो कि लिखा है फिक्स्ड सम अननोन इशू एंड इंप्रूवमेंट सिस्टम स्टेबिलिटी, मतलब कि जितने भी सारे बग्स थे, छोटे बड़े बग्स, उन सारे बग्स को फिक्स किया गया एंड बैटरी भी काफ़ी अच्छे चलने वाली है। सो दोस्तों एक अच्छा अपडेट है, अगर आपको अभी तक अपडेट ये नहीं मिला है तो आप यहाँ से सिंपली वेबसाइट पे आकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से क्लिक करके भी इसे डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपको अपडेट मिल चुका है तो कोई बात नहीं है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस यही एक छोटी सी अपडेट देनी थी, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।